सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। जैसा कि कई दिनों से इस चैप्टर को लेकर बच्चों की डिमांड आ रही थी कि इस चैप्टर का वीडियो बना दो, इस चैप्टर का वीडियो बना दो, तो इस बार हमने ये चैप्टर उठा लिया है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो चैप्टर वैसे ज़्यादातर ये बोरिंग लगता है बच्चों को, क्योंकि बुक में इतने सारे मतलब देखा जाए तो डेटाज वगैरह दिए हुए हैं, तो उसको लेकर बच्चों को पढ़ने का मन नहीं होता है। तो मैंने कोशिश की है कि कुछ चीज़ें सिंपल की जाएं और आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आए और इंटरेस्टिंग बने। दूसरी चीज़ कि इस वीडियो को मैं जानबूझ के अभी फिलहाल के लिए वन शॉट में नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और अगर इसका वन शॉट वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ज़रूरत हो, अगर ऐसा लगता हो कि नहीं वन शॉट आएगा तो बेहतर होगा, तो आप कमेंट्स करना, मैं उसके ऊपर वन शॉट भी बना दूंगा। फिलहाल मेरा प्लान है इस चैप्टर को तीन पार्ट्स में बनाने का। तो आज फर्स्ट पार्ट, इसमें हम पॉवर्टी वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस मैनी सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स। तो हमारे देश में हम कई तरह की इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है हमारे देश में, प्राइस राइज, चीजों की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ जाती हैं कई बार, ब्लैक मनी का इशू है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टारवेशन है, कई लोग भुखमरी में जी रहे हैं, भूख से मतलब परेशान हैं, मर रहे हैं, करप्शन बहुत ज्यादा है, टेररिज्म की प्रॉब्लम है। ये सारी समस्याएं हम फेस कर रहे हैं और ये सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, लगभग दुनिया का हर देश इस चीज को फेस कर रहा है। किसी के यहाँ ज्यादा है, किसी के यहाँ कम है, बट फेस तो सभी कर रहे हैं। तो हम अपने देश के बारे में फिलहाल पढ़ेंगे और इनमें से भी हम सारी प्रॉब्लम्स को इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर ज्यादा, ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये इसमें ये बताया हुआ है देखो कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज और पॉपुलेशन इंक्रीज, ये थोड़ी ज्यादा बड़ी समस्याएं हैं जहां तक हमारे देश की बात है। तो उसमें भी ये दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। क्या बताया है? पॉवर्टी, पॉवर्टी होता क्या है, गरीबी क्या है, ठीक है? तो यहां पर हमारी बुक जो डेफिनेशन दे रही है, हमारी बुक के अकॉर्डिंगली, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सेटिस्फाइंग देयर बेसिक एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। बहुत बड़ी संख्या में लोग अगर अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स कहाँ किसको गया है, कौन सी चीजें एकदम बेसिक है किसी भी इंसान की लाइफ के लिए, तो वो है क्या? फूड, उसको टाइम से खाना मिले, बराबर खाना मिले, क्लोथ्स, ढंग के उसको कपड़े पहनने को मिले। अब कोई जरूरी है कि बहुत ब्रांडेड हो, लेकिन हाँ, शरीर ढकने के हिसाब से उसको कपड़े मिल जाए, भाई ठंडियों के लिए स्वेटर वेटर सब अरेंजमेंट हो जाए, तो क्लोथिंग आपको मिल रहा है, शेल्टर यानी रहने की एक जगह हो, ठीक है, घर वगैरह, एजुकेशन मिले और हेल्थ सर्विसेज, बीमार होने पर ट्रीटमेंट मिले वगैरह। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, इन पांच बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो हम कहेंगे कि वो गरीब है और इस सिचुएशन को कहा जाता है कॉम्प्रेहेंसिव पॉवर्टी, ठीक है? अगर बड़ी संख्या में लोग ये पांच रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है कॉम्प्रेहेंसिव पॉवर्टी और ऐसे लोगों को कहा जाता है पुअर, गरीब कहा जाता है, ठीक है? पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, एक पॉवर्टी लाइन मतलब एक क्राइटेरिया होता है कि इतना पर्टिकुलर इंसान के पास चीजें होनी चाहिए, अगर वो उतनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पा रहा तो हम कहेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो कैसे लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है? तो उनके बारे में यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट लिखा है, पर्सन हु इज नॉट एबल टू गेट टू मील्स अ डे, दिन में दो बार का खाना भी उसे नहीं मिल रहा, तो ऐसा पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन है कहा जाएगा, दो टाइम का भी खाना ढंग से उनको नहीं मिल रहा है। पीपल सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस, रहने की जगह भी नहीं है उनके पास, रहने को भी लेकर समस्या फेस कर रहे हैं, तो ये लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। दे आर फोर्स टू लिव इन शैबी और स्लम एरियाज, मतलब गंदगी वाले एरिया में, झोपड़पट्टी के इलाकों में रह रहे हैं। आपने कई जगहों पर देखा होगा शहरों में झोपड़ी झोपड़ी लाइन से पूरी बनाकर लोग वहां रह रहे होते हैं, फुटपाथ वगैरह किनारे, कई बार
किसी बड़ी बिल्डिंग के आसपास का एरिया खाली पड़ा रहता है तो वहां पर लोग ऐसे झोपड़ियां बना बना के रहते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कई बार हमारे एरियाज में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है तो वहां पर थोड़े टाइम के झोपड़ी वगैरह बना के रह रहे हैं, तो ऐसे लोग मतलब गंदी जगहों में झोपड़ी वगैरह बनाकर रह रहे होते हैं। देयर इनकम इज लेस देन डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इनकम। किसी देश में बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जितनी इनकम होनी चाहिए, अलग अलग देश में चीजों की कॉस्टिंग अलग अलग है, तो पर्टिकुलर किसी भी देश में ये पांच बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना भी ये लोग नहीं कमा पाते हैं। ऐसे लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। देयर लाइफ स्पान इज लेस देन नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देश में एवरेज इंसान कितना लंबा जी रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, कोई ज्यादा लंबा जीता है, कोई 100 साल के ऊपर चले जाते हैं, कई लोगों की एज कम एज में कई लोगों की डेथ हो जाती है, तो इसका एक एवरेज होता है। तो मान लो कि एक एवरेज निकल के आता है 65 ईयर्स, तो उस देश में लगभग एक इंसान 65 साल तक जी सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, ये उस एवरेज से ही कम टाइम में इनकी डेथ हो जाती है। क्या रीजन हो सकता है भाई? मेडिकल फैसिलिटीज उनको मिलती नहीं है, बीमार होंगे, ट्रीटमेंट टाइम पे मिलेगा नहीं, मर जाएंगे। खाना ढंग से मिलता नहीं है तो माल न्यूट्रिशन होता है, शरीर कमजोर होता है, कोई ना कोई बीमारियां पकड़ती हैं, और छोटी छोटी बीमारियां भी उनके लिए बड़ी डेंजरस हो जाती है। तो ये सारी समस्याओं की वजह से उनकी डेथ जल्दी हो जाती है, तो नेशनल एवरेज से कम इनकी लाइफ होती है। जनरली दे आर इलिटरेट। ऐसे लोग ज्यादातर जो होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे होंगे तो कुछ कमा लेंगे, कुछ तो कर लेंगे, कम से कम बिलो पॉवर्टी लाइन तो नहीं रहेंगे। तो ऐसे लोग इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं। वेरी ऑफन दे सफर फ्रॉम वेरियस डिसीजेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। अब इनको जनरली कई तरह की खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं क्योंकि भाई न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा, दो टाइम का जो खाना ढंग से मिल नहीं रहा, तो न्यूट्रिशियस फूड क्या ही मिलेगा, तो उनको ढंग से खाना नहीं मिलता, इस वजह से शरीर कमजोर रहता है और बीमारियां जो है भयंकर भयंकर बीमारियां उनको पकड़ लेती हैं। तो ऐसे लोग इस तरह से भी परेशान रहते हैं। Children who have taken up the responsibility of looking after the family at the age when they are supposed to study. इन बच्चों को, इन families में जो बच्चे होते हैं, इनको मतलब जिस एज में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए उस एज में इनको घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है, तो हम कहेंगे ये लोग क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। फिर डेथ रेट इज हाई ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। डेथ रेट ज्यादा है, मतलब जनरली ज्यादा लोग कम एज में ही इनकी डेथ हो जाती है, जैसे ऊपर हमने देखा उसके रिगार्डिंग ही ये। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है इन लोगों के लिए? तो कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि इन लोगों की सिचुएशन को थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके। क्या किया है? इनकम ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज लेस इन सिटीज एज वेल एज इन विलेजेस। सच फैमिलीज आर कॉल्ड अंत्योदय फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऐसी फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको गांव के एरिया में भी, शहरों में भी मिल जाएंगे। इन फैमिलीज को गवर्नमेंट ने नाम दे दिया अंत्योदय फैमिलीज, मतलब बुरा ना लगे, गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे, ऐसा बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक अच्छा टर्म नाम दे दिया है, टर्म लगा दिया है अंत्योदय फैमिलीज, इनको कहना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों को ढूंढ के गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उनके हिसाब से डेवलप किया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? जैसे रेशन शॉप्स वगैरह होते हैं, हमको उसमें अनाज वगैरह मिलता है सस्ते दामों में या फिर कई बार फ्री में भी मिलता है, तो इस तरह का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप किया गया है। और ऐसी फैमिलीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इनको खोज खोज कर उनके लिए स्पेशल रेशन कार्ड्स बनाए गए हैं। उस रेशन कार्ड के अकॉर्डिंगली उनको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अनाज फ्री में मिलेगा और कुछ अमाउंट ऑफ अनाज बहुत कम दाम में मिलेगा, मार्केट प्राइस से बहुत कम दाम में उनको वो अवेलेबल करवाया जाता है ताकि वो लोग एटलीस्ट दो टाइम का खाना ढंग से खा सकें। अभी वो क्या क्या स्कीमें हैं वो हम इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कितना अनाज मिलता है, किस प्राइस से मिलता है, आगे आएगा चैप्टर में। फिलहाल खाली एक शॉर्ट में समरी टाइप का दे दिया है, कह सकते हैं कि क्या क्या चीजें की गई हैं। तो ये फेयर प्राइस शॉप्स, ये जो राशन की दुकानें होती हैं जो सस्ते दामों में अनाज वगैरह अवेलेबल करवाती हैं, इनको कहा जाता है फेयर प्राइस शॉप्स। तो इन दुकानों में, सरकारी दुकानों में, ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सस्ते दामों में या फिर फ्री में चीजें अवेलेबल करवाई जाती हैं। अब उसमें क्या क्या मिलता है, देखो, राइस मिलता है, वीट मिलता है, सुगर, ऑयल, सॉल्ट, केरोसिन, ये सब चीजें उनको मिलती हैं वहां पर। इट हैज ट्राइड टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट ने ये भी कोशिश की है कि ऐसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए। कई बार उनको कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट पैसा भी दिया जाता है टाइम टू टाइम, ताकि वो अपना, जैसे
और भी रिक्वायरमेंट्स जो है उसको फुलफिल कर सकें, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज भी फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ये सारी एफर्ट्स गवर्नमेंट ने अपने तरफ से लिए हैं इन लोगों की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बता रहे, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय डायरेक्टर ऑफ WHO बायर्ड और, वैसे इसका नाम बंदे का शायद जॉन बायर्ड और है, ठीक है, अपने बुक में शॉर्ट में दे दिया बायर्ड और। ये जो थे भाई साहब, ये मतलब काफी गरीबी वगैरह के ऊपर इन्होंने काफी रिसर्च किया है, लोगों के लिए बेनिफिट कैसे, मतलब इन गरीब लोगों को कैसे बेनिफिट पहुंचाया जाए, इन सबको लेकर इन्होंने काफी काम किया था। WHO के डायरेक्टर थे, अपनी बुक में WHO लिखा हुआ है, कई जगहों पर आप सर्च करोगे गूगल वगैरह पे तो बताएंगे कि ये FAO के डायरेक्टर थे, फूड एंड क्या था इसका, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन शायद इसका ऐसा फुल फॉर्म है। तो ये जो थे, इन्होंने ये मतलब पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार, पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था। क्या पॉवर्टी लाइन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी देश में एक इंसान को खाना खाने के लिए दो टाइम का कितना पैसा चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज जो हेल्थ को लेकर है, एजुकेशन को लेकर है, मतलब ये कुछ पांच रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करने के लिए, मान लो कि इंडिया की अगर बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक इंसान को ये सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए महीने का 5,000 रुपया होगा तो वो काम कर सकता है। अगर मान ले तो, ऐसे 5,000 में होता नहीं है आजकल, लेकिन मान लो कि अगर 5,000 में ये सारी पांच बेसिक रिक्वायरमेंट्स को एक इंसान फुलफिल कर सकता है तो पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर दिया जाएगा 5,000 रुपया। अगर कोई 5,000 से कम कमा रहा है तो कहेंगे कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और अगर 5,000 से ज्यादा कमा रहा है तो कहलाएगा अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो इस तरह से पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इन्होंने दिया था, ठीक है, बायर्ड और ने, ठीक है। आप एग्जाम में आएगा तो ये बायर्ड और ही लिखोगे, WHO के ही डायरेक्टर लिखोगे, इन सबसे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वही याद रखना है। अच्छा, तो वही चीजें बताई कि बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जो जो चीजें चाहिए उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है पॉवर्टी लाइन, और उन्होंने डिसाइड किया था। अच्छा, फिर पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, टाइम, लोकेशन और सरकमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज होता रहता है, ऐसा कहा गया। मतलब आज से 10 साल पहले जो पॉवर्टी लाइन था, आज भी वही पॉवर्टी लाइन होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई चीजों की कीमतों में चेंज आता रहता है। आज जो चीज आपको पर्टिकुलर, मान लो कि एक सामान है जो आज आप 1,000 रुपए में खरीद सकते हो, ठीक है, तो आज से 10 साल बाद वही चीज वापस 1,000 रुपए में मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, वो महंगा हो जाएगा। तो आज 5,000 रुपए कमा के आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो, तो 10 साल बाद भी अगर 5,000 रुपए कमाओगे तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स उस टाइम पर फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो समय के हिसाब से फिर वो डिसाइड किया जाएगा कि नया पॉवर्टी लाइन क्या है। तो जगह के हिसाब से भी बदलता है, समय के हिसाब से तो बदलता है, जगह के हिसाब से भी बदलता है कि मतलब इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन होगा US में भी वही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, यूनाइटेड किंगडम में वही होगा जरूरी नहीं है, अलग अलग जगह पर चीजों की कीमतें अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से वहां का पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया जाता है। तो ये अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को मेजर कैसे किया जाता है कि ये गरीब है कि नहीं है, तो बोला गया देयर आर टू वेज ऑफ नोइंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। दो तरीके हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कॉमोडिटीज और सर्विसेज बाय अ फैमिली। एक फैमिली कुछ पर्टिकुलर चीजों को गेन करने के लिए कितना पैसा खर्चा कर रही है, वो खर्चा जो होता है उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे कि 10,000 खर्चा करना चाहिए, लेकिन वो 10,000 उस पर खर्चा नहीं कर पा रहे उन चीजों के लिए, क्योंकि उनकी इनकम ही नहीं है भाई, तो 10,000 खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, वो 8,000 खर्चा कर पा रहे हैं, तो कहेंगे कि भाई ये लोग गरीब हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से कि एक डिसाइड किया जाता है कि कम से कम इतना खर्चा करने में वो फैमिली कैपेबल होनी चाहिए, तो उस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि गरीब है कि नहीं है। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फैमिली, और एक होता है कि इनकम, कि वो पूरी फैमिली मिलकर कमा कितना रही है, तो उसके हिसाब से डिसाइड किया था कि भाई कम से कम इस फैमिली को, एक फैमिली को इंडिया में एवरेज 10,000 कमाना चाहिए। अगर वो फैमिली पूरी मिलकर 10,000 नहीं कमा पा रही है तो हम कहेंगे कि वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इस तरह से दो कॉन्सेप्ट मतलब यूज किए जाते हैं पॉवर्टी को डिसाइड करने के लिए। और जो फैमिली की बात कही गई है इंडिया के टर्म्स में, फैमिली में कम से कम 5 मेंबर्स होने चाहिए, 5 मेंबर के हिसाब से ही एक फैमिली काउंट होती है। तो मतलब 5 लोग मिलकर कितना कमा रहे हैं या 5 लोग मिलकर कितना खर्चा कर रहे हैं, इन दोनों बेसिस पर पॉवर्टी डिसाइड की जाती है। दो तरह की पॉवर्टीज की बात की गई है, एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी
और एक है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, मतलब एकदम ही गरीब है इंसान, मतलब अपनी वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, खाना नहीं मिल रहा टाइम से, हेल्थ अच्छी नहीं मिल रही है उसको, फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, एजुकेशन नहीं मिल रहा, तो वो जो पांच हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखी थी वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहा, तो हम कहेंगे कि वो एब्सोल्यूट पुअर है। लेकिन रिलेटिव पुअर थोड़ा सा अलग है। रिलेटिव पुअर में क्या होता है ना, डिफरेंस के बेसिस पर देखा जाता है। अब जैसे मान लो एक आदमी है या मान लो एक फैमिली है जिनकी मंथली इनकम 50,000 है और एक दूसरी फैमिली है जिनकी मंथली इनकम 20,000 है, तो ये वाली जो फैमिली है बी, वो ए के कंपैरिजन में कम कमा रही है, तो ए के कंपैरिजन में बी वाले क्या कहलाएंगे, पुअर कहलाएंगे। हालांकि वो एब्सोल्यूट पुअर नहीं है, क्योंकि इस पैसे में वो वहां जो भी अवेलेबल बेसिक फैसिलिटीज है उसे आराम से फुलफिल कर पा रहे हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें वो गेन कर ले रहे हैं इतने पैसों से, इसके अलावा और भी चीजें हो पा रही हैं उनके साथ। बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मान लो वहां पर 10,000 रुपए चाहिए, इससे उनका पूरा बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रहा है, इसके अलावा उनके पास 10,000 और है जिसके से वो और अपना कामकाज कर पा रहे हैं। तो बीपीएल फैमिली नहीं है ये, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, अपने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है, बट इनके कंपैरिजन में इनका इनकम कम है, तो इनके कंपैरेटिवली ये लोग रिलेटिव पुअर कहलाएंगे। तो कंपैरिजन जब किया जाता है अबव पॉवर्टी लाइन वालों का, आपस में जब कंपैरिजन किया जाता है तो कहा जाता है कि भाई ये जो है उसके कंपैरिजन में गरीब है। अब हम सब लोग अगर बात करें तो अंबानी के कंपैरिजन में हम सभी गरीब हैं, ठीक है, तो वही होता है कि इनकम के हिसाब से कंपैरिजन किया जाता है। देखो आपने, मैंने इमेज बना रखी है, ये ज्यादा पैसा कमा रहा है बंदा, ये कम कमा रही है, तो ये इसके कंपैरिजन में ये पुअर है। पॉवर्टी इन इंडिया, अब इसमें बहुत सारे डेटा थे, सारे डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वरना याद रहेगा, ठीक है, इतना सारा कौन याद रखता। और वो एक तो ये भी है कि वो 11-12 का डेटा है, समय के हिसाब से बदलता रहता है, तो मैंने कुछ चीजें जो काम की हैं वो फिलहाल यहां पर मेंशन कर दी है, ठीक है। 2011 एंड 12 के डेटा के हिसाब से प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया में इन सब चीजों को लेकर वर्क करता है, ठीक है, कि कितना बेसिक रिक्वायरमेंट होगा इनकम का ताकि लोग अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है, तो ये सब चीजें डिसाइड करता है, क्योंकि उनको पता, उनके पास सारे डेटाज होते हैं, ठीक है, कि देश में कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे गेहूं की, तो गेहूं है तो वो भी कई वैरायटी का आता है, ठीक है, तो उसकी मान लो 30 रुपए किलो कीमत है, 40 रुपए भी है, 70 रुपए भी है, 80 रुपए भी है, तो भाई 30 रुपए मिनिमम प्राइस है, इतने प्राइस में मार्केट में मिल रहा है, तो इतना पता चल गया कि एक आदमी इस प्राइस में तो ये गेहूं वगैरह खरीद सकता है। फिर कपड़े कितने दाम में मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, उस हिसाब से पूरा कैलकुलेशन किया जाता है कि अगर मान लो इतना पैसा कोई कमा रहा है तो उसका गुजारा इस समाज में हो जाएगा, तो वो सब कौन कलेक्ट करता है डेटा और डिसाइड करता है, प्लानिंग कमीशन करता है, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से अगर रूरल एरिया में, मतलब गांव वगैरह के एरिया में कोई रहता है और 816 रुपए एक आदमी का इनकम, 816 रुपए पूरी फैमिली मिलकर पांच लोगों की कितना कमा रही है, 4,080 रुपीज, इतना रिक्वायरमेंट में गांव के एरिया में एक पांच लोगों की फैमिली जो है वो अपना गुजारा कर सकती है। ये 2011-12 का डेटा है प्लानिंग कमीशन का, ठीक है, कि अगर उस टाइम पे, आज तो 24 चल रहा है भाई और 12 साल बीत चुके हैं, तो उस समय इतना अगर कोई फैमिली कमाती थी गांव में पांच लोगों की, तो उनका जो है कह सकते हैं कि वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर ले रहे हैं, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, ठीक है। वही शहर के एरिया में पर पर्सन 1,000, यानी पांच लोगों की फैमिली का इनकम कितना होना चाहिए, 5,000, इतना अगर वो कमा ले रहे हैं तो वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाते हैं, अगर इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इतना तो कम से कम उनका इनकम होना चाहिए। फिर ये तो था हमारे प्लानिंग कमीशन का डेटा। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक का डेटा कह रहा था कि इंडिया में 2010 में, ठीक है, लगभग जो पॉपुलेशन थी 121 करोड़ थी, इसमें से 32.7% लोग जो थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, मतलब 32.7% पॉपुलेशन गरीब है इंडिया में। ये 2010 का डेटा है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, जिसका मतलब अगर नंबर्स में देखें तो 45.6 करोड़, मतलब यार 45 करोड़ से ज्यादा लोग 2010 में इंडिया के अंदर, 45 करोड़ से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, गरीबी रेखा से नीचे थे। हालांकि गवर्नमेंटों ने टाइम टू टाइम इन चीजों को चेंज करके ये दिखाया है, मतलब कई बार क्या होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन डाउन कर दिया जाता है,
जिससे बहुत सारे लोगों का ऐसा दिख जाता है कि भाई ये गरीबी से बाहर आ गए तो गरीब कम बचे हैं, इस तरह के डेटाज वगैरह टाइम टू टाइम आते रहते हैं और एफर्ट्स भी डाले गए हैं बहुत सारे भाई गरीबी दूर करने के लिए, तो उसके भी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या कहना है कि 2011-12 में इंडिया में लगभग 21.92% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे। ठीक है, देखो यहां पर ध्यान दो, यहां जो ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है इसके अकॉर्डिंगली 2010 में 32.7% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे और यूएनडीपी जो है उसके अकॉर्डिंगली 21.92% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे 2011-12, एक ही साल के डिफरेंस का डेटा है ना, है कि नहीं? तो अब इसमें क्या है, ऐसा क्यों है कि भाई इसके डेटा में 21.92% ही दिख रहे हैं। अब ये होता है ना कि यूएनडीपी जो है वो सिर्फ इनकम को कैलकुलेशन में नहीं लेता, यूएनडीपी और भी चीजों को कैलकुलेशन में लेता है, हेल्थ वगैरह, एजुकेशन वगैरह, तो इन चीजों में इंडिया की गवर्नमेंटों ने काम किया है तो वो चीजें थोड़ी इंप्रूव हुई हैं, तो उनको सबको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन अच्छी है। वर्ल्ड बैंक जनरली इनकम पर काउंट करता है चीजों को, तो वहां सिर्फ पैसे की इंपॉर्टेंस पे काउंट करता है, तो वहां के हिसाब से ज्यादा गरीब मिल रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज वगैरह भी अगर जोड़ ली जाए तो गरीबी थोड़ी कम होती है एज पर यूएनडीपी, तो कम लोग हैं गरीब यूएनडीपी की रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी क्या बता रहा है, देखो 26.93 करोड़ लोग गरीब थे इस हिसाब से, इसमें से 21.65 करोड़ लोग जो हैं वो गांव के एरिया में हैं, जबकि शहरों में 5.28 करोड़ लोग ही बिलो पॉवर्टी लाइन है। यूएनडीपी का डेटा 26 करोड़ में से 21 से ज्यादा करोड़ लोग जो हैं भाई वो गांव में गरीब हैं, यानी गांव में हमारे यहाँ ज्यादा गरीबी देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें भी स्टेट वाइज बताएं तो सबसे ज्यादा गरीबी किस स्टेट में देखने को मिल रही है इंडिया में, छत्तीसगढ़, 36.93% जो लोग हैं पॉपुलेशन है इंडिया के जितने गरीब हैं उसमें 36.93 लोग तो हैं वो छत्तीसगढ़ में बिलोंग करते हैं। गोवा में सबसे कम गरीबी देखने को मिली है 5.09%, भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं, गोवा बहुत छोटा सा स्टेट है, ठीक है, और क्या है ना कि लाइवलीहुड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस वहां पर अवेलेबल हो गए हैं क्योंकि भाई सी का ही पूरा किनारा है तो फिशिंग वगैरह अच्छा खासा फ्लरिश करता है वहां पर, सी फूड वगैरह में काफी लोग ट्रेड करते हैं, दूसरा टूरिस्ट एक्टिविटीज भी बहुत होती हैं, तो लोगों के पास कुछ ना कुछ ऑप्शन है पैसे कमाने का, तो इसलिए गरीबी वहां थोड़ी कम है। अब छत्तीसगढ़ वगैरह के एरिया में क्या है, या तो फॉरेस्ट है, पहाड़ियां हैं, माइंस हैं, अब वो माइंस में सब लोगों को तो काम मिलेगा नहीं, ठीक है, और या फिर एग्रीकल्चर हो रहा है, तो वहां पर इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं मिल रही है, और दूसरा क्या ट्राइबल एरियाज हैं तो डेवलपमेंट वर्क ज्यादा हुए नहीं है, इस वजह से भी लोग थोड़ा पीछे हैं, तो वहां पर गरीबी ज्यादा है। गुजरात में गरीबों का प्रोपोर्शन है 16.63%, यानी गुजरात की पॉपुलेशन में से 16.63% लोग जो है गरीब है। इंडिया के जो ज्यादातर गरीब स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, इन सब में लगभग 30% से ज्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है, तो ये इंडिया के सबसे ज्यादा गरीबी में कंट्रीब्यूट करने वाले हमारे स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि इन सब में देखो ये स्टेट्स वही हैं जहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से इन सब जगहों पर ये प्रॉब्लम्स हैं और मोस्टली सब लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। अब इंडिया में क्या है, देखो इंडिया इज बेस्टोर्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज इन लार्ज क्वांटिटी एंड इज प्रॉस्पेरस इन नेचुरल रॉ मटेरियल, सब है हमारे पास, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक है, तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, भगवान ने तो सब रिसोर्सेज दे दिए भाई, नदियां इतनी सारी दे दी, पहाड़ दिए हैं, बहुत सारे मिनरल्स दिए हैं, फॉरेस्ट वगैरह बहुत सारे दिए, उसमें वैरायटी ऑफ ट्रीज वगैरह दिए हैं, तो कई चीज है, सब कुछ दिया है, बस कमी किस चीज की है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल, इन सब चीजों की कमी है, ठीक है, ढंग का कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं हम, इफेक्टिव प्लानिंग नहीं कर रहे, कई बार इफेक्टिव प्लानिंग कर भी लेते हैं तो उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो इन सब चीजों में प्रॉब्लम है। अब क्या है कि भाई कई बार ऊपर से गवर्नमेंटें अच्छी अच्छी स्कीमें लॉन्च तो करती हैं बट नीचे के जो लोग हैं वो सारे पैसा खुद ही खा जाते हैं, तो वो जो गरीब है या जो जरूरतमंद इंसान है उसको वो फैसिलिटीज, वो पैसे, या फिर स्किल सेंटर्स खोलें तो स्किल का जो भी उनको ट्रेनिंग वगैरह मिले, ये सब चीजें अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पा रही लोगों तक, बीच में जो लोग हैं वो गेम कर दे रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से डेवलपमेंट उस हिसाब से हमारा नहीं हो पा रहा है,
ठीक है, तो रिसोर्सेस की कमी नहीं है, कमी है ढंग से उन्हें यूटिलाइज करने की, इम्प्लीमेंटेशन की, एजुकेशन की, ट्रेनिंग की, स्किल की। तो ये सब चीजों में हमें काम करने की ज्यादा है जरूरत। तो अब बात यह है कि भाई सब कुछ होने के बाद भी अगर हम गरीब हैं, तो इसी के लिए कहा जा रहा है द पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया, अमीर भारत में गरीब लोग रह रहे हैं। मतलब देश में तो सब कुछ है, देश तो अमीर है, पर हम लोग जो हैं इस देश में रहने वाले हम गरीब हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है। फिर रूरल पुअर अर्बन पुअर, ठीक है, गांव के गरीब कौन हैं और शहरों में गरीब कौन हैं, अक्सर हमको देखने को मिल जाते हैं। कैसे कैसे लोग कहलाएंगे गरीब हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ जिनके बारे में मेंशन किया गया है वो गरीब ही होंगे, ऐसा नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि गरीब जो गांव के एरिया में या शहर के एरिया में होते हैं, वो किस फील्ड में आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर, उसके हिसाब से बताया गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया गया लैंडलेस लेबर्स, गाँव में जिनके पास जमीनें नहीं है, किसी और की जमीन में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग, फार्म में काम करने वाले लोग, आर्टिशंस जो छोटे मोटे काम करते हैं कुछ चीजें बनाने वगैरह का, ठीक है, कोई लोहे की चीजें बना रहा है, कोई चमड़े से जूते वगैरह बना रहा है, ऐसे लोग। कॉटेज इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, वो जो मतलब पापड़ वापड़ बनाना, अगरबत्ती वगैरह बनाना, इस तरह की जो कंपनियां छोटी छोटी चलती हैं उसमें जो लोग काम करते हैं, ऐसे लोग। छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में मार्जिनल फार्मर्स, जो गरीब किसान हैं, भीख मांगने वाले लोग, ठीक है, जो फोर्स लेबर करते हैं, मजबूरी में उनको काम करवाया जाता है, जबरदस्ती काम करवाया जाता है, जंगलों में या पहाड़ों में बसने वाले ट्राइबल लोग, ये सब जनरली हमको गरीब देखने को मिलते हैं। अब जो भी ये काम कर रहा है सब गरीब ही है, ऐसा नहीं है, ज्यादातर लोग इसमें गरीब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो एग्जाम्पल दिया है कि गरीब रूरल एरिया में गरीब कहाँ देखने को जनरली मिल जाते हैं, ऐसे शहरों में हमको गरीब लोग कहाँ देखने को मिल जाते हैं, जनरली टेम्पररी वर्क करते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, दिन का काम करते हैं तो पैसा मिलता है, नहीं करते तो नहीं मिलता है, डेली वेज लेबरर्स। देखो यहाँ अपनी बुक में एक बड़ा प्रॉब्लम है यार, कुछ चीजें ना रिपीट बहुत करते हैं इन लोग, एक ही चीज को 2-3 बार लिख देते हैं, मीनिंग सेम होता है, तो एक ही चीज लिखना चाहिए ना। लेकिन अब क्या, मैंने टेक्स्ट बुक की लाइनें उठा के डाली है भाई, ताकि आपको भी क्लियर रहे कि टेक्स्ट बुक में जो लिखा, बाद में क्या होता है ना कि मैंने कुछ और बता दिया, टेक्स्ट बुक में कोई लाइन लिखे तो बच्चा उसको पकड़ के बोला इसका क्या मतलब होता है, इसलिए मैंने पूरी लाइनें लिख दी आपको क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो मीनिंग लगभग सेम है इसका, ठीक है, कि डेली वेज लेबरर, टेम्पररी लेबरर्स वही। डोमेस्टिक वर्कर्स जो घरों में काम करते हैं लोगों के यहाँ, ठीक है, देखा होगा आपने वो जो घरों पे बर्तन धोना या ऐसे कुछ और काम करने के लिए रखे जाते हैं, रिक्शा वाला, टी स्टॉल वर्कर्स, होटल वर्कर्स, ढाबा में काम करने वाले लोग, ठीक है, गैरेजेस में काम करने वाले या भीख मांगने वाले, इस तरह के जनरली हमको गरीब वगैरह शहर में देखने को मिलते हैं। अब देखो मैंने पहले ही कहा था कि जो लोग भी ये काम करते हैं सब गरीब होंगे, ये जरूरी नहीं है। इसको देख रहे हो चाय वाले को, चाय बेचता है ये, अब भाई इसके सामने हम लोग गरीब है, देखो दुनिया का जो कई सालों तक रिचेस्ट पर्सन रहे वो लोग भी इससे मिलने आ रहे हैं, तो ये कैसे गरीब हुआ, टी सेलर है। अब यहाँ पर टी वालों को तो गरीब बताया, तो जरूरी नहीं है कि सब गरीब होंगे, ठीक है, ऐसे करके चाय बेचता है। रीजंस ऑफ पॉवर्टी, तो गरीबी की वजह क्या है, क्यों लोग ज्यादा गरीब हैं, क्या रीजंस हो सकती है, सॉरी क्या रीजंस हो सकते हैं। द ओरिजिन ऑफ पॉवर्टी इज मोर डीप रूटेड इन विलेजेस एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, गांवों में गरीबी ज्यादा गहरी है एज कंपेयर टू शहर। तो क्या रीजंस हैं, डिक्रीज इन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर से लोगों की इनकम कम हो गई है पहले के कंपैरिजन में, आज की डेट में एग्रीकल्चर से उनको सफिशियंट इनकम नहीं मिल रही है, क्योंकि उन्हें ढंग की फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल नहीं है। आजकल देखो कि पानी वगैरह की भी कमी हो रही है हर जगह पे, पहले के जो किसान थे वो पूरी तरह से रेन पे डिपेंडेंट होते थे, अभी भी बहुत सारे किसान रेन पर डिपेंडेंट हैं जो गरीब हैं, ठीक है, तो उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती, तो वो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट है, बारिश हुई ढंग से तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो इस तरह से दिक्कतें होती हैं, तो एग्रीकल्चर से इनकम कम हुई है। दूसरा ये कि इन एरियाज में फार्मिंग के अलावा दूसरा कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन नहीं है, किसी और तरीके से पैसा कमाने का दूसरा कोई रास्ता जनरली गांव के एरियाज में मिलता नहीं है, इस वजह से भी लोग गरीब हैं, फार्मिंग ही एक ऑप्शन है। फिर नॉलेज नहीं है दूसरा, एक तो ये भी है कि अगर कोई और भी ऑप्शन है जिसके थ्रू पैसा कमाया जा सकता है, तो इन लोगों ने कभी वो चीजें देखी नहीं, ना उसके बारे में कभी सुना सोचा, तो इस वजह से दिक्कतें हैं कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता उनको कि हम इस तरह से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, तो उनको उसका नॉलेज ही नहीं है कि हम इस तरह से भी पैसा कमा सकते हैं। अगर उनके दिमाग में डाल दिया जाए कि हाँ भाई आप ये करके भी पैसा कमा सकते हो, तब वो इनकम कमा लेंगे।
तो एजुकेशन नहीं है, स्किल की कमी है, ये सब दिक्कतों की वजह से रूरल लोग, जो रूरल एरिया में, गांव के एरिया में बसने वाले लोग हैं, वो लोग ज्यादा इनकम नहीं कमा पा रहे। कई बार क्या होता है, एक्सेसिव एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्सी ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, जो पुराने तौर तरीके रीति रिवाज हैं उसके चक्कर में लोग जरूरत से ज्यादा खर्चा कर देते हैं। होता है कई बार कि मान लो कि एक आदमी है, उसके घर में कोई शादी वगैरह का फंक्शन पड़ गया, तो अब उसको ये है ना कि भाई उसकी जो कैपेबिलिटी है की है कि भाई मैं दाल चावल रोटी सब्जी खिला सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये समाज क्या कहेगा, वो समाज को खुश करने के चक्कर में कर्जा लेकर बहुत वैरायटी ऑफ खाना, उसमें मिठाइयाँ नाश्ते वगैरह सब रखवा दिया। ठीक है, अब लोग तो आएंगे एक दिन खाएंगे खुश हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन और उसमें भी कई बार कुछ लोग आके बोलेंगे यार नमक कम था, मिर्ची ज्यादा थी, दाल तो पूरा पानी ही था, इस तरह की चीजें बताएंगे। ठीक है, तो उनके लिए, उनको खुश करने के लिए लोग अपना बहुत सारा पैसा लगा देते हैं, कर्जा लेकर इस तरह का पैसा लगाते हैं, बाद में ये सब चीजें निपट जाती हैं और जिंदगी भर फिर उस चीज का कर्जा उतारते रहते हैं। तो ये सारी दिक्कतें भी हैं, लोगों की जो सोच है वो पुराने ख्यालात जो हैं, उस चक्कर में कई बार लोग फंस के गलत तरीके से पैसे खर्चा करते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं, ये सारी दिक्कतें भी होती हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा इलिटरेसी, लोगों में एजुकेशन की कमी है, अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग, सभी नहीं, तो वो लोग क्या है कि भाई जब एजुकेटेड नहीं है तो इसके रिलेटेड तो कोई काम कर ही नहीं सकते, तो डिपेंड करेंगे वही छोटे मोटे काम, कोई पुराने वाले ही तौर तरीके अपनाएंगे पैसे कमाने के लिए। फिर कई बार इनके साथ क्या होता है ना, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते तो एक्सप्लॉयटेशन होता है इनका। एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगा, मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम गरीबों को हर महीने 2-2 हज़ार रुपया देंगे, तो साल का 24,000 रुपया मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने तो स्कीम लॉन्च कर दी, आपको पता चला कहीं से कि हाँ 2,000 रुपया मिलेगा, आप गए गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिसर आपको बोलता है अरे ऐसा है कि वो आपको तब मिलेगा जब आप महीने महीने हमको 500 रुपया जमा करवाओगे। तो भाई गवर्नमेंट आपको महीने का 2,000 दे रही है, 500 रुपया आप उसको दे रहे हो बंदे को, आपको आपका अधिकार नहीं पता, आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है। अब कई लोगों का ये होता है, उनको लगता है कि ये गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम रखा ही होगा और ये जो सरकारी आदमी है सही ही बोल रहा होगा, तो उस चक्कर में कई बार उनके साथ फ्रॉड होता है, लोग उनके पैसे हड़प जाते हैं। कई बार उनको क्या किया जाता है ना कि उनको कुछ और बताकर उनसे साइन वाइन करवा लिया जाता है और उनके नाम की स्कीम का बेनिफिट कोई और उठा रहा होता है। ठीक है, ये पर्सन को कुछ मिल ही नहीं रहा है, दूसरे ने साइन करवा लिया और वो पैसा कमा रहा है। तो अनपढ़ होने की वजह से इन लोगों के साथ चीटिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ड्यू टू इग्नोरिंग नेसेसिटीज एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट जब इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती हैं तो जो गरीब सेक्शन है जनरली उसको इग्नोर कर दिया जाता है। स्कीमें लॉन्च होती हैं कि भाई इसको ये बेनिफिट वो बेनिफिट, गवर्नमेंट के जो नेता लोग आते हैं वो भी माइक पर खड़े होकर गरीबों की ही बात करते हैं, लेकिन जनरली जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो मोस्टली पॉलिसीज होती है इंडस्ट्रीज को लेके या शहरों के डेवलपमेंट को लेके, गांवों के लोगों की गरीबी दूर करने को लेकर बहुत ज्यादा अच्छी पॉलिसीज गवर्नमेंटें नहीं बना पाती हैं। ठीक है, कैश क्रॉप्स पर फोकस ज्यादा किया गया। ठीक है, किसान लोग भी देख रहे हैं कि भाई ये जो नॉर्मल चीजें हैं अनाज वनाज उगाने से ज्यादा पैसा मिलता नहीं है, कैश क्रॉप उगा कर ज्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, वो कैश क्रॉप में शुगर केन वगैरह, टोबैको एंड ये कॉटन वगैरह ये सब आ जाता है, तो उसको उगाकर ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, लग गए फूड ग्रेन्स के ऊपर फोकस कम होने लग गया, जिसके वजह से फूड ग्रेन की वगैरह कमी हो गई, जिसकी वजह से उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो गरीब गरीब ही रह जाएगा। ये सारी दिक्कतें भी हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे पल्सेस का, खास करके इंडिया में आजकल पल्सेस का प्रोडक्शन हमने कम करना शुरू कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से देखो दाल वगैरह की कीमतें कम ही नहीं होती, ठीक है, बढ़ती रहती है। फिर वो एक एग्जाम्पल है, और भी चीजें हैं। बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रूरल इकोनॉमी कोलैप्स्ड, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ब्रोक डाउन, माइग्रेशन इंक्रीज्ड, इनकम इन एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीज्ड। कुछ रिफॉर्म्स ऐसे लाए गए जिसकी वजह से, बोला ना कि इंडस्ट्रीज वगैरह जो शहरों में है वो ज्यादा तेजी से ग्रो हुई, जो कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह गाँव वगैरह में होती थी जनरली वो कोलैप्स हो गई, वो बंद हो गए। ठीक है, अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा कोई मतलब कॉटेज इंडस्ट्री खोला है किसी ने, वो अचार बनाकर बेच रहे हैं वो लोग, ठीक है, तो उनका बिजनेस चल रहा था, कई लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिली हुई थी। लेकिन अब बड़े बड़े जो है भाई, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर वो भी अचार बनाकर बेचने लग गई, उनकी भाई मार्केटिंग टीम बड़ी तगड़ी होती है, तो उनके प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लग जाएंगे, तो ये जो छोटे छोटे गाँव वगैरह के एरिया से जो अचार वगैरह आ रहे थे वो कोई खरीदेगा नहीं, तो उनका तो बंद बंद हो गया ना भाई बिजनेस, तो वहाँ के जो लोग थे उनकी भी एम्प्लॉयमेंट चली गई। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हुई।
इसकी वजह से कई लोगों की एम्प्लॉयमेंट वगैरह चली गई, ठीक है, और एग्रीकल्चर का भी जो था प्रोडक्शन कम हो गया क्योंकि माइग्रेशन बढ़ने लग गया। अब जो लोग गांव वगैरह में रह के काम करते थे तो थोड़ा बहुत उधर भी काम कर लेते, थोड़ा बहुत अपनी खेती भी कर लेते थे। अब क्या है कि भाई कुछ ऑप्शन है नहीं अपने पास, एग्रीकल्चर से कुछ खास मिल नहीं रहा है, तो लोग एग्रीकल्चर का काम छोड़ छाड़ के कहाँ जा रहे हैं, शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस वजह से एग्रीकल्चर में अब ज्यादा इंटरेस्ट लोग नहीं ले रहे हैं, तो उस वजह से भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो ये सारी दिक्कतें भी इसकी वजह से आ रही हैं। दूसरा ये कि लोग जो हैं वो बीमारियों से और माल न्यूट्रिशन से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा हैं, चीजों की कीमतें तो बढ़ रही हैं बट इनकम जो है वो लोगों की उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। तो जब इनकम ज्यादा नहीं बढ़ेगी, खर्चा ज्यादा बढ़ेगा, मेडिसिन वगैरह महंगी हो जाएंगी, तो बीमार आदमी दवा खाएगा कैसे? तो थोड़ी बहुत बीमारी होगी वो धीरे धीरे सीरियस हो जाएगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी। तो ये सारी समस्याएं भी लोगों के साथ हो रही हैं। गरीब, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल बिजनेस कॉटन इंडस्ट्री एक्सेट्रा हैड डेटोरेटेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैड इंक्रीज, मतलब चीजें रिपीट करते हैं लोग। तो वही बता रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी वगैरह इंप्रूव हो गई तो भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छे अच्छे सामान सस्ते सस्ते दाम में बेच रही हैं। कॉटन इंडस्ट्री वगैरह जो थी, गांव वगैरह की जो इंडस्ट्रीज थी वो सब बंद, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो भाई गरीबी तो आएगी ही, अनएम्प्लॉयमेंट का अगला रिजल्ट ही है पॉवर्टी। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बड़ी तेजी से ग्रो हुआ है, ठीक है, ज्यादा लोग हो गए हैं। डेथ रेट डिक्रीज हो गई है, गरीबी रेखा के नीचे वालों की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल सबकी बात कर रहे हैं। डेथ रेट कम हुए क्योंकि भाई कई लोगों की तो इनकम इंप्रूव भी हुई है, तो वो लोग अच्छे से मेडिकल फैसिलिटीज अफोर्ड कर पा रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों पर गवर्नमेंट ने भी अच्छे काम किए हैं ताकि लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज आराम से मिल जाए, वैक्सीनेशन वगैरह चलाए गए, जिससे वैसे लोगों की लाइफ की लेंथ थोड़ी बड़ी है, तो ज्यादा पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही है। ग्रोथ रेट भी बड़ा पॉपुलेशन का, डेथ रेट कम हुए तो ज्यादा पॉपुलेशन है मार्केट में, तो भाई प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरा ये, लेबर की सप्लाई बढ़ी है एज कंपेयर्ड टू डिमांड ऑफ लेबर, जितने रिक्वायरमेंट है काम करने वाले लोगों की उससे ज्यादा लोग काम करने वाले अवेलेबल हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को काम चाहिए और काम कम अवेलेबल है, तो ये भी एक दिक्कत है, ठीक है। ऑन द अदर साइड प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट डिक्रीज, सभी लोग ज्यादा ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लग्जरी आइटम पर फोकस ज्यादा हो रहा है, बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजों पर फोकस कम हो रहा है, तो उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो भाई बढ़ गई है कीमतें तो ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक गरीबी का रीजन है। इतने सारे लोग काम करना चाह रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, वो भी गरीबी का रीजन है। प्राइस राइज चीजों की बहुत ज्यादा होने की वजह से परचेसिंग पावर कम हो गया है, यानी कम चीजें खरीद पा रहे हैं लोग, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का खराब हो गया है, इस वजह से भी कहेंगे कि गरीबी बढ़ी है। हालांकि हर जगह ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हम नहीं कह सकते कि हर जगह ऐसा ही हुआ, बट कई जगहों पर ऐसा हुआ है, ये भी एक रीजन है गरीबी बढ़ने का, ठीक है। और अभी बाकी टॉपिक के लिए क्या करेंगे तो उसके लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। मस्त नहा धो के रेडी रहना, नेक्स्ट टॉपिक लेकर बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।